हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट की वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है और समझ लिया है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। देखिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियोस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया है। देखिए, ये सिंपल कर्व है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंपल कर्व क्या होता है, जो एक क्रॉस नहीं होता, और सिंपल कर्व इज दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, वो सिंपल कर्व। ये देखिए, ये पूरे के पूरे सिंपल कर्व है, राइट। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से होंगे, तो देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व ये होते हैं और इनको हमने क्लासीफाई कर लिया है। इसी तरीके से हमसे पूछा गया कि पॉलीगन कौन से होते हैं, पॉलीगन जो केवल एक लाइन से मेड अप, ओनली वन लाइन सेगमेंट कॉल हम पॉलीगन। ये देखिए, एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है कंप्लीटली, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स पॉलीगन ये होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसमें जो हमारे डायगोनल्स होते हैं। अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज डिफाइंड एज अ पॉलीगन विथ नो पोर्शन विथ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। एक्सटीरियर में कोई भी डायगोनल्स उसके नहीं होते, वो हमारे कॉन्वेक्स होते हैं। और कॉनकेव में क्या होते हैं, ये हमारा कॉनकेव का एग्जांपल है। आप देख पा रहे हो कि कॉनकेव पॉलीगन डिफाइंड इज अ पॉलीगन विथ वन मोर इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन द देन 180, ये होता है, राइट। आप देख सकते हो, ये कंप्लीटली आप यहाँ से देख सकते हो कि अ कॉनकेव पॉलीगन इज डिफाइंड इज पॉलीगन विथ वन और मोर इंटीरियर एंगल्स ग्रेटर देन 180। देखिए, 180 से ज्यादा है ये इंटीरियर एंगल जो इसका है, वो क्या है, 180 से ज्यादा है, ये जो एंगल है 180 से ज्यादा है, राइट। तो ये बात हो गई, कॉनकेव के बारे में हमने समझ लिया, कॉन्वेक्स भी, पॉलीगन भी, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल्ड में समझ लिया है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज हैज ईच हैव, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं, रेगुलर हेक्सागन कितने हैं और ट्राइंगल्स कितने हैं, ये कितने डायगोनल्स हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स डज हैव, कितने डायगोनल्स होंगे अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात की जाए। देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे ना, इसमें दो डायगोनल्स होंगे, ये देखिए दो डायगोनल्स कंप्लीटली यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी तरीके से अब बारी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेगुलर हेक्सागन में क्या होते हैं। देखिए, रेगुलर हेक्सागन में अगर डायगोनल की बात करें तो वो 9 होते हैं, लेकिन जो साइड होती है वो 6 होती है। हेक्सागन को मैंने कम्प्लीटली आपको बताया था कॉन्सेप्ट के वीडियोज के अंदर कि कैसे 9 होते हैं यहाँ पे, ये कम्प्लीटली यहाँ से 3, यहाँ से भी 3 आ रही है लाइनें, यहाँ से भी 3 आ रही है और तीनों एक दूसरे को कवर कर रही हैं। तो जो डायगोनल्स हैं वो ए डी, ए ई, बी डी, बी ई, एफ सी, एफ बी, ए सी, ई सी और एफ डी, ये पूरे के पूरे डायगोनल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 9 रेगुलर जो हैं डायगोनल्स हैं हेक्सागन के अंदर। ट्राइंगल्स के अंदर कोई भी डायगोनल्स नहीं है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ईजिली। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि वॉट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉन कॉन्वेक्स, मेक द नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो हमने मान लिया ए बी सी डी, ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 180 से कम के एंगल होते हैं और डायगोनल्स में एक्सटीरियर में कोई भी एंगल नहीं बनता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे जब हम ड्रॉ करेंगे इसका डायगोनल, तो ये हो जाएगा ए सी विच डिवाइडेड क्वाड्रिलेटरल इन टू ट्राइंगल्स। अब इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो ए सी बी में डिवाइड कर रहा है और एक ए सी डी में डिवाइड कर रहा है, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीटली। जब दो ट्राइंगल्स डिवाइड हो रहा है तो हमें पता है कि इनका जो एंगल सम है वो इन पूरे एंगल्स के बराबर हो जाएगा, ए बी सी और डी, इसका जो सम होगा वो कहीं ना कहीं एंगल ये 1, ये 6, ये 3, ये 5, 1 2 3 4 5 के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो हमने 1 2 3 को एक साथ रख दिया और 4 5 6 को एक साथ रख दिया, क्योंकि ये एक अलग ट्राइंगल में और ये एक अलग ट्राइंगल में है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, ट्राइंगल की 180 और 180 ये 360 आ जाए, ये राइट। हम कह सकते हैं कि जब सम ऑफ मेजर ऑफ ट्राइंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उनका जो सम होगा वो 360 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आगे हमसे बोला गया है कि इन दिस प्रॉपर्टी स्टिल होल्ड्स द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, जब हम ज्वाइन कर देंगे बी से डी को तो ये डिवाइड कर देगा दो प्रॉपर ट्राइंगल्स में, और प्रॉपर ट्राइंगल्स में डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया और दोनों से हमें क्या मिले 360 का, ये प्रूफ कर दिया हमने। पहले भी उसी तरीके से किया था क्वेश्चन, इसको भी वैसे भी आप कर सकती हो। अब हम बात करते हैं कि 360 आने के बाद हम कह सकते हैं कि जो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा वो भी हमारा क्या होगा, 360 डिग्री का होगा। पहले हमने कॉन्वेक्स का देखा था, फिर नॉन कॉन्वेक्स का भी हमने देख लिया। यहाँ पे तो हमने कॉन्वेक्स का देखा था, अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी करके यहाँ पे नॉन कॉन्वेक्स का भी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो भी हमारे पास यही आएगा, जो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होंगे उसका भी 360 होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर, हमें इस टेबल को देखना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ द एंगल्स किस तरीके से इसमें आ रहे हैं। देखिए अब क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड। देखिए यहाँ पे अगर थ्री साइड्स हैं तो 3 - 2 * 180 यानी 180 हो जाएगा, 4 है तो 4 - 2, 5 - 2, 6 - 2, जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें से 2 का माइनस करके 180 का हमने कर दिया, तो एग्जैक्टली यहाँ पे पता चल पा रहा है क्वेश्चन के अंदर। देखिए आप क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर साइड नंबर ऑफ साइड्स एन नंबर ऑफ साइड्स जो हो 7 हो तो क्या होगा, अगर पॉलीगन की बात करें तो एन माइनस टू इंटू 180 यानी कि 7 - 2 * 180 यानी कि 5 * 180 यानी कि 900 होगा। जब 8 होगा तो n माइनस टू यानी 180 यानी कि 8 - 2 यानी कि 6 * 180 यानी कि 1080। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो n माइनस टू इंटू 180, एट मीन्स वॉट, n माइनस टू यानी कि 8 * 180 यानी कि 1440, n इक्वल टू n तो क्या हो जाएगा, n माइनस टू इंटू 180, ये हमारा कंप्लीटली होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अगर कोई एक रेगुलर पॉलीगन हो और इसमें थ्री साइड्स हो और इसमें फोर साइड्स हो और सिक्स साइड्स हो तो क्या होगा। देखिए थ्री साइड्स होंगी तो जाहिर सी बात है कि रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच हैव ऑल साइड्स और इक्वल एंड लेंथ एंड इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो इक्वल साइज, तो ये तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तीन साइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीन साइड्स में पॉलीगन में उसको हम ट्राइंगल कहेंगे। अगर फोर साइड्स होगा तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। आप देखिए फोर साइड वाले हैं, यहाँ पे भी 120, 120, 120, 120, 120 सब पे एंगल्स बन रहे हैं, राइट। अगर फोर पॉलीगन होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, सिक्स होगा तो हेक्सागन कहलाएगा, राइट। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि ये एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, राइट। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सागन कहलाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर इसके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखिए नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है, 4 हैं, तो ये 360 के इक्वल होगा। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉलीगन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एन माइनस टू इंटू 180, तो यहाँ पे कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, तो 4 - 2 * 180 यानी कि 2 * 180 यानी कि 360। इन तीन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इनसे प्लस करो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 360 में से इनको माइनस कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे देखिए हमने 360 में से माइनस कर दिया, इनको सम करने के बाद ये 300 हो रहा था तो 360 में से 300 को माइनस कर दिया, एक्स की वैल्यू 60 आ गई, सो एक्स इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे आ गया, हमने मेजर कर लिया है। यहाँ पे अब हमें इस वाले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो एंगल सम होता है वो 180 के बराबर होता है और ये टोटल 360 होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियरली यहाँ पे समझ आ रही है कि ये हो गया हमारा 90 और ये 60 और ये 70 और ये एक्स इक्वल टू 360। जब हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 90, 60 और 70 को प्लस करेंगे, जो भी आंसर होगा 220 को माइनस कर देंगे 360 में से, तो ये 140 डिग्री आएगा एक्स की वैल्यू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें कि हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इनका बेस देखें तो 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो ये अंदर वाला एंगल हमें पता चल जाएगा, और 60 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल 2 पता चल जाएगा। जब हमें ये दो दोनों पता चल जाएंगे तो ये पांच साइड्स हैं तो फाइव साइड्स हैं, यानी कि एंगल सम कितना हो जाएगा अगर फाइव साइड है तो एन माइनस टू इंटू 180, तो ये हो जाएगा 5 - 2 * 180, ये हो जाएगा 3 * 180, ये हो जाएगा 540 हो जाएगा, राइट। तो 540 जो होगा, जो 540 होगा वो इनका एंगल सम होगा, राइट। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया 110,
ये भी फाइंड आउट कर लिया 120, राइट। अब हम इन सबको सम करके देखेंगे, तो ये एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस ये हो जाएगा 120, 110 और प्लस ये 1 हो गया, 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया और ये 2x हो गया, राइट। दो हो गए 3 4, ये 120 हो गया और ये 110 होगा और ये 30 हो गया। इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 540 के बराबर होगा। अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए ये एन इक्वल टू 5 है, तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाएंगे हम यहाँ पे, देखिए सेम वही चीज़ आएंगी, मैंने बताया था 540 आएगा और यहाँ पे 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस, अब 540 करेंगे, अब एक्स एक्स 2x हो जाएगा, तो ये इन सबको प्लस करने पे 260 आ रहा है। 540 में से 260 को माइनस कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे, 140 आ गया, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो 140 होगी। और इस तरीके से हम इसके आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फोर्थ वाले में देखिए 5 साइडें हैं और पांचों ही साइडें क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल हैं, तो क्या होगा यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो एक्स सब पे सेम एंगल बनेगा। तो ये 5 साइडें हैं तो इनका सम 540 होगा, 540 यानी कि 5x इक्वल टू 540 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम 540 की बात करें तो 5x इक्वल टू 540 हो गया, और इस तरीके से हम x को मेजर कर सकते हैं। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया x x x x और x, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 540। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 540 अपॉन 5, राइट। ये 5 1 जा 5 और 108 आ जाएगा, इसका आंसर 108 है सब में, राइट। तो इस तरीके से हम इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का जो पार्ट है फर्स्ट, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि अगर इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे लीनियर पेयर लगेगा, और इन दोनों का करेंगे तो लीनियर पेयर लगेगा। तो 9x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे, 90 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आएगी जेड की वैल्यू 150 आएगी। तो एक्स आ गया, जेड आ गया, अब हम वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा 90 और 30 ये 120 के बराबर होगा, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ट्राइंगल के अंदर। सो एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 और प्लस 120 प्लस 350, 150 ये हो गया 360, राइट। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा। इसी तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है, हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हम इजिली अब फाइंड आउट कर पाएंगे, एन इक्वल टू 100 आएगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और डब्ल्यू प्लस एन 180 के बराबर होगा, W और प्लस N 180 के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है 180 के बराबर होगा, राइट। तो N की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि N इक्वल टू 100 है, W की वैल्यू 80 हो जाएगी। सिमिलरली वन एक्स प्लस 120 इक्वल टू 120 हो जाएगा, और जब ये 120 हो जाएगा तो Y की वैल्यू ये हो गई, Z की वैल्यू ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो सब इक्वेशन को अगर हम देखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो होगा वो 120 प्लस 120 60 प्लस ये हो जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे तो 180 180 180 ये 720 हो जाएगा, इन सबका जो सम होगा वो 720 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम 360 को माइनस कर देंगे 720 में से, तो इसका जो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के आंसर ईजिली हमें मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, राइट। और आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं, केवल इक्वेशन आपको बनानी है, चार चार इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जिनकी वैल्यू है उन पर वैल्यू पुट करना है और आंसर आपके सामने होगा। सो आई होप कि चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और इस नंबर पे जो भी डाउट्स हो डाउट सेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकती है। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये इक्वेशन वाले पार्ट हैं पूरे के पूरे, और ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट हैं पूरे, 180 फर्स्ट इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन का और फोर्थ इक्वेशन का, पूरे इक्वेशन का। तो ये तो 720 आ गया, और इनको प्लस करने पर क्या आएगा 360, ये चल ही रहा है, और यहाँ पे इनकी वैल्यू आ गई 360, राइट। और इसी तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, आप देखिए यहाँ पे
इसको भी ये दूसरा ही क्वेश्चन था, इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था जिसमें हमसे पूछा गया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 360 था। सो थैंक यू सो मच।